क्या बोल रहे? कोई आया है, गेट खोलो ना। ए, मैं खोलूंगा गेट, मैं बाप हूं ना। तू जा गेट खोलो। हाँ जी बोलिए बेटा। घर में कोई बड़ा है? बड़ा उम्र में या दिमाग में? मतलब दिमाग में तो मैं हुई, वैसे उम्र में तो पापा मम्मी चाचा सभी हैं। अरे घर में किसी बड़े को बुलाओ, मैं जनगणना विभाग से आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। पापा कौन है? अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बताइए जी, मैं जनगणना विभाग से आई हूँ। आपके घर में कितने सदस्य हैं? हमारे घर में भाई हम दो और एक आप आई है तो तीन। अरे मेरा मतलब है आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? कितने हैं मतलब? पांच लिख दो। पांच लिख दूं? अरे नहीं नहीं, अरे अभी चाचा की शादी होगी तो छह हो जाएंगे ना। हाँ तो फिर मैं छह लिख दूं? छह लिख दूं? आपको पता है इसका चाचा की हरकत है? अभी तो सिर्फ बात पक्की हुई है, वो जिस दिन छोरी शादी करके आ जाएगी ना, तीसरे दिन भग जाएगी। पांच लिख दो। तो फिर मैं पांच लिख दूं? हाँ पांच लिखो। अरे नहीं नहीं पापा, कुछ भी बात करते हो, मम्मी को इतने साल हो गए, वो भगेगी आपकी हरकतों से? चाची भी नहीं भगेगी। मैडम आप छह लिखो। छह तो लिख दूं? छह? हाँ छह। क्या छह? अरे इसका क्या, ये तो बच्चा है। हमारे घर में हमारे पिताजी यानी कि इसके दादाजी 90 साल की उम्र में, आजकल कोई जीता क्या 100 साल तक? उनका कोई भरोसा नहीं है, कब टें बोल जाए। आप पांच लिखिए। नहीं छह लिखो। पांच छह पांच। मैं क्या लिखूं? अरे आप पांच लिखिए। अरे नहीं नहीं पापा, अगर दादाजी चले गए लेकिन चाचा की शादी के बाद उनका बेबी भी तो होगा। मैडम आप छह लिखो। तो मैं छह लिख दूं? अरे मेरा बाप। क्यों छह लिख दूं? क्यों छह लिख दूं? तुम हमारे घर की मेंबर हो क्या? कौन बढ़ेगा कौन घटेगा तुमको क्या मालूम है? मैं बोल रहा हूँ मैं इसका बाप हूँ बाप। पांच लिखो पांच। पापा सोच लो। छे छे छे। पांच छे। अबे मैं तेरा बाप हूँ कि तू मेरा बाप है? छे छे पांच। अरे छे। अरे पांच। चाचा की शादी छे। अरे वो भाग जाएगी तो क्या कर लेगा तू? छे पांच छे पांच छे पांच छे। अरे लेकिन हे पांच छे छे छे। अरे आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा फिर मुझे बताइएगा, बाद में आ जाऊंगी मैं। हे भगवान, कौन सी पागल फैमिली से पाला पड़ा है, जा रही हूँ मैं तो। आयो रे माँ। अरे सुनिए, पांच लिख दीजिए। अरे छह।